इमे बाजे इमे का खुद पकड़ ले अच्छा तेरी दीदी भूली बैठी जोतो के चार इतना भयंकर पांच बुलाए पंद्रह आए पंद्रह चाकूसा गोटे गोटे बाडोली लगी से नारिंगे की दाई वाह देखो देखे दोस्तों जेठ माजी रोने लगी लाली को की दाई अरे आंगनबाड़ी से ऊपर तो गए नहीं जय हो मामा ठियाणा की। हेलो दोस्तों नमस्कार, बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चले सुबह की गुड मॉर्निंग में अपने प्यारे प्यारे जंगलों की ओर और घास के लिए। बाकी ये मेरी सहपाठी भी आगे चली गई है और कुछ पीछे आ रही है, ये देखिए। तो दोस्तों मिलाते हैं आपको सभी लोगों से, पहाड़ी लोगों से। हाय भाभी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो यार? ठीक हो? चलो मिलते हैं अभी। हाँ देखिए दोस्तों आज का जो मौसम है, सामने यानी कि ढोंडा की साइड कोहरा लगा हुआ है पूरा, और जो हमारा जंगल है यहाँ पर तो हल्का कोहरा छटा हुआ है। बाकी कितनी मस्त हरियाली दिख रही है आगे पीछे। तो मेरी सहपाठी भी चली गई आगे, मिलाते हैं आप लोगों को सभी पहाड़ी लोगों से। तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ की महिलाएं जो कि सारी घास के लिए आ गई है। तो यहीं पर सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है घास के लिए, कोई यहाँ पर तो कोई यहाँ पर, कोई पीछे की ओर। बाकी हमारे साथ बुड्ढी जेठ माँ भी आ रखी है और ये हमारी बुआ जी, बड्डी जी। बुआ जी हाय कर दो। कैसे हो आप? बढ़िया हो? बाकी यहाँ पर देखिए ये जो हमारी जेठिमा जी है, इनका हाथ कट गया। बोल रे यार कितना कटा जेठिमा? बहुत ज्यादा काटी, ज्यादा काटी। अरे बहुत शरीर सूख रहा है। अरे तभी घास थे। आइए हमारी पतलू बुआ, इनका हाथ भी कट रखा है। देखो पहाड़ी महिला की हाथ भी कट रखे तभी जंगल आ रखे हैं। अरे यार बड़ा ही दुख भरा जीवन है ना। हाय भाभी हाय कर, ठीक हो? और सब बढ़िया? अच्छा ये हमारी बड़ी जी है, कॉमेडी बुआ, इनको तो आप जानते होंगे। ये हमारी जेठमा जी है। हेलो भाभी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। भाभी से एक सवाल है आज। भाभी आप कितने पढ़े लिखे हो? हम उस जमाने के आंगनबाड़ी से ऊपर तो गए नहीं। सच बताओ भाभी, आंगनबाड़ी से ऊपर तो गए नहीं तो कहा? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगा ठीक ठाक पढ़े लिखे हो। ठीक ठाक पढ़ते तो घास क्यों काटते हैं? नहीं नहीं, पढ़े लिखे भी घास काट रहे हैं आज? नहीं कौन सी पढ़े लिखे? ये घास काटना, सुनो भाभी, ये घास काटना ना बैलम जीरो है। ये घास काटना कोई मजबूरी नहीं है, ये तो हम पहाड़ियों का शौक है। क्यों जड़ीमा है ना, आज उदास क्यों? अरे यार बहुत ज्यादा कटा है, मजबूरी नहीं है बुआ, ये पहाड़ी महिलाओं का शौक है। शौक शौक नहीं नहीं, मैं ये हमारा शौक है। मजबूरी थपड़े थपड़े पटा हम भी बोन घूमने घूम बिता खाने अपूर्ण बिता जब मोल वोल, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों जेठी माँ आप क्या बोलना चाहोगे? हम क्या बोलेंगे बाबा, ठीक हो आप? हाँ ठीक है, घर में सब राजी खुशी? सब राजी खुशी। अच्छा भाभी जी की कमेंट भी हमारे लिए आती रहती है, तो भाभी जी को धन्यवाद बोल देना। हाँ बाबा ठीक है। और सुनाओ जेठी माँ, तो सुन बाबा है थकान लगे। चलो जेठ माँ गाना लगा दो।
सुनिए दोस्तों बुआ जी का एक प्यारा सा सॉन्ग। लगा लगा शर्मा मत भाई। कैसे लगा आप सभी को बुआ का गाना? ताली हो जाए। वाह देखो बुआ इतने सपोर्ट कर रहे हैं महिलाएं, क्यों बुआ? देखे दोस्तों जेठ माँ जी रोने लगी। वाह पहले ऐसे ही करते थे पीछे से जैसे कि महिलाएं गाना लगाती थी। अब देखो दोस्तों जेठी माँ जी रोने लगी है इन गानों को सुनकर। ये तो अभी जवान जवान है, इनको रोना नहीं आएगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपके आंसू क्यों आए, क्योंकि पहले आपने भी ऐसी जिंदगी जी होगी मस्त करके ना। अब ऐसा हो रहा है कि बुढ़ापा आ गया नी, बहुत याद करते होंगे। ठीक है रोना नहीं जेठ माँ, ठीक है बुआ जी इतना मर रुलाओ यार हमारी जेठ माँ को। तेरी दीदी भूली बैठी जूतों की चोरी। जो रिवाज अभी है वही बोल रही है बुआ जी, जो जूतों की चोरी होती है दुल्हन की दूल्हा की, तो अब भी होती है, तो वो रिवाज बोल रही है बुआ जी। पैसों के लिए अब तो कोई मतलब नहीं, अब तो धीरे धीरे रिवाज भी खत्म हो रहे हैं। चल बुआ दो लाइन और लगा, वो तो डीजे चल रहे हैं डीजे। दो लाइन ऑटो दूर जाए तो बुआ। हमने बुलाए तो चार, तुम क्यों आए बंदर की डाक। बुआ हमने बुलाए जान जान क्यों आए बुड्ढे बुड्ढे। हमने बुलाए जवान जवान तुम क्यों आए बुड्ढे बुड्ढे। पांच बुलाए पंद्रह आए पंद्रह चाकू सा मुंडमा सोलह।
ये में दादो भी ले जी चलो 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 ना तो बेकार होने बोल तुम किन हेटेड कर पर हां तो बेकार नारिंगे की दाणी नारिंगे की दाणी केन सो की होलो बजी मुखड़ी को पानी वाह मुखड़ी को पानी दवानी ना ना रुक 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 तनी वान मुखड़ी को पानी ये गाने लगा दे भाभी आप लगा लगा पे तू लगा तेरा ही ते गल्याणी रोपणी का दिने दिने गो का भे बंद सभी धाणियो मां लगिन और कित ऐसा करते हमारे पहाड़ों में रोपाई हम लोग कर रहे हैं यहां पे क्या दीक्षा रोपण है हेलो दीक्षा रोपण से यावन ले ले गिरो लगी गे सोने की मेनी दुनियों माहूं दूसों साटे गुटे गुटे बाडोली लगी से माहूं दो दक दक याटे लगी गे सोने की कुयेडी तो दोस्तों भाभी और बुआ कर रहे हैं रोपाई ये बुआ डूब ना हरा उसी ये भी ऐसे नहीं रोपते हैं मैं बग गई बुढ़िया करी रोप ऐसे करते हैं ये ऐसे ये गाना गाना लगाओ ऐसे तेरा ही तेरा रोपनी आवा दुनिया देख के काली माँ वाह अमर उसे रुक है हे भगवान अभी हम ढूंढगाड़ी खा लू मैं और यहाँ पे हमने लोगों ने रोपाई किया अभी देखो इस वाली यहाँ पे सुअर नहाते हैं सुअर का स्विमिंग पूल है भाई दोस्तों क्या बताएं इस आसमान ने तो हमें इतना पागल बना के रख दिया है कि आज हमने दिन भर ऐसे कोहरे में एकदम अंधेरा हो रखा था और ऐसी बारिश में अभी देखो बारिश आ रही है और ऐसी बारिश में हमने घास निकाला तो मैंने भाड़ा लगा लिया है ऊपर पे भाभी लगा रही है वहाँ पे कोहरे में दिख नहीं रही है बाकी के लोग उधर की साइड है तो अब हम भाड़ा उठा के चलेंगे पहले नीचे मैदान में ऐसे पहाड़ से रास्ते होके चलना है हमें और अगर लुढ़क गए तो गए तब काम से तो अभी जब मैदान में पहुंच जाएंगे ऐसी बारिश में तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर मैदान में जहां हमने अभी थोड़ी देर पहले रोपाई की थी तो दोस्तों घास की वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हम पहाड़ों में निकालते हैं घास जिसे हम पहाड़ में बिट्टा बोलते हैं तो जिस वजह से फ़ोन को रखने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है तो इसलिए इस वजह से घास की वीडियो नहीं बनाते हैं तो मिलते हैं दोस्तों आपको नीचे मैदान में। देखिए दोस्तों हमारे पहाड़ की महिलाएँ बल शांति में घास निकालते हुए ओ ये भाई फिर भाई बहुत धर पड़ो जा
ता भयंकर के इबो बोणो हुआ अब आगे इबो कुत्ता बिल्कुल उणो इबो भी चल 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 यहां आ गया है भयंकर सुअर वो कुत्ते के पीछे पड़ा है इबे बाजे इबे का कुत्ता पकड़ ले अच्छा इबे का कुत्ता पकड़ ले इबे कुत्ते बोर्ड से होता है कुत्ता पकड़ ले आजो ले सुअर जी ले बियो दे बियो दे बियो दे इतना भयंकर चुको दे खा उड़ो इबे यू मच मच जो ले यू अपना आपच बिहार दे गेर बगे देखे दोस्तों इतना भयंकर सुअर मैंने पूरी कोशिश की वीडियो दिखाने की लेकिन आज बारिश के कारण फोन एकदम धुंधला हो गया है जिस वजह से क्या बताए उसने हमारे जो मतलब जो जुली है उसको खा दिया था भाई वो इंसान को भी खा दिया कितना भयंकर है क्या भाई मैंने वीडियो को आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सुअर भी अब इतना भयंकर रूप ले रहे हैं कि मनुष्य पर ही जा रहे हैं आतंक करने के लिए हमला करने के लिए पहले बस सुअर डरते थे बल कुत्ते के भौंकने से लेकिन आज आंखों के सामने ही जो हमारे साथ जुल्ली रहता है हम सब का कुत्ता यानी कि सबके घर में खाता रहता है आता रहता है तो उसको ही सुअर ने पकड़ लिया था भाई उसके पैर को पकड़ा सुअर ने बताओ इतना भयंकर तो इंसान को तो वो मार ही डालेगा कुत्ता तो फिर भाग ही रहा था तो ऐसा हो रहा है आजकल के ज़माने में जानवर पर भी भरोसा नहीं है दोस्तों पहले जो जानवर डरते थे अब देखो वही इंसान को डरा रहे हैं बस ये भयंकर कलयुग आ गया है तो दोस्तों अभी घर में पहुँच चुके हैं तो यानी कि लगभग टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और सुबह के टाइम दिन भर यानी कि बारिश होती रही और इस टाइम देखिए हमारे पीछे का नज़ारा आहा क्या मौसम है कितना प्यारा लग रहा है हमारा बीच गांव हरियाली के बीच तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जय मामा ठियाणा दोस्तों राजी खुशी रहना सभी आप लोग बाय बाय मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में।